शुद्ध सागर जी महाराज ससंग उत्तर प्रदेश के बड़ौते स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान है, जहां 8 अगस्त को शीतल तीर्थ के प्रतिनिधि मंडल ने तीर्थ अधिष्ठात्री डॉक्टर सविता जैन के नेतृत्व में गुरुदेव के दर्शन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। 7 अगस्त को श्री दिगंबर जैन सोशल सार्थक ग्रुप के स्थापना दिवस के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश स्थित भिंड में जैन सोशल सार्थक ग्रुप के सभी सदस्यों ने वृद्धाश्रम में जाकर वृद्ध लोगों का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान सोशल ग्रुप के सदस्यों ने वृद्ध लोगों को खाद्य पदार्थ वितरित किए। श्री निर्ग्रंथ पाठशाला के अंतर्गत भारतीय जैन महासंघ शाखा द्वारा छपरौली के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन प्राचीन बड़ा मंदिर में साप्ताहिक पाठशाला का आयोजन 6 अगस्त को किया गया, जिसमें छपरौली जैन समाज के बच्चों ने भाग लिया। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज महाराष्ट्र स्थित अंजनगिरी तीर्थ में विराजमान हैं, जहां गुरुदेव ने 8 अगस्त को प्रातः काल की बेला में केशलोच की क्रियाएं संपन्न की। इस दौरान भक्तों ने गुरुदेव के इस केशलोच की अनुमोदन की। 6 अगस्त को भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज ससंघ के मंगल सानिध्य में महाराष्ट्र स्थित जिन शरणम तीर्थ में श्री शांतिनाथ विधान का आयोजन किया गया। जैन महिला एवं युवा संगठनों के प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि पंजीकृत संस्था राजस्थान जैन युवा महासभा जयपुर एवं समाज एवं मानव सेवा के क्षेत्र में कार्यरत संगनी फोरम JMG मेट्रो जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान स्थित जयपुर में कैंसर अवेयरनेस हेल्थ टॉक शो एवं स्वास्थ्य सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया। जयपुर स्थित मोहनबाड़ी दिगंबर जैन मंदिर में अखिल भारतीय जैन बैंकर्स फोरम जयपुर के द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम 6 अगस्त को आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जैन बैंकर्स फोरम के सभी सदस्यों ने पौधों का रोपण किया।